नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक ताज़े घटनाक्रम की, परंतु उस ताज़े घटनाक्रम के पीछे जुड़े हुए बड़े प्रकरण की, एक इतिहास की। 14 फरवरी 2024 को कानपुर के बेहमई में हुए सामूहिक हत्याकांड का फैसला आया, और ये फैसला 43 साल बाद आया, यानी करीब करीब 5 दशक बाद। इस मामले में मुख्य अभियुक्त रही फूलन देवी समेत 36 लोग आरोपी थे। इनमें से एक को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में कई आरोपियों और गवाहों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। 3 आरोपी ऐसे हैं जिनका अता पता नहीं है, जो फरार हैं, जिनकी आज तक गिरफ्तारी ही नहीं हो पाई है। बेहमई के इस चर्चित हत्याकांड ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोरी थीं। फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर 20 लोगों की हत्या कर दी थी। ये घटना, ये फैसला, ये सिर्फ एक उदाहरण है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे मामले मिल जाएंगे जिसमें बरसों से लोग न्याय की आस में हैं, बाट जोह रहे हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने देश के न्यायालयों में लटके हुए मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की थी, और कहा था, जो ये लंबित मामले हैं उनको लेकर कहा था कि यदि व्यक्ति न्याय की प्रतीक्षा में मर जाता है तो ये ठीक नहीं है। लंबित मामले न्याय के कुशल प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं। न्याय का सिद्धांत कहता है कि न्यायाधीश को राग, द्वेष और दुर्भावना से परे होकर न्याय करना चाहिए। भारत में न्यायिक व्यवस्था का अपना एक अलग महत्व है। पिछले साल जुलाई में एक प्रश्न के जवाब में राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि देश में 5.02 करोड़ से ज़्यादा मामले अलग अलग न्यायालयों में लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, ये एक व्यवस्था है जिसमें सारा जो आंकड़ों को एक जगह जमा किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ये जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 1 जुलाई 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय में 69,766 मामले लंबित थे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDG अगर उसकी बात करें तो 14 जुलाई 2023 तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 60,62,953 मामले लटके हुए थे। इसके अलावा जिला और उनके अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 4,41,35,357 है। अब आप इस संख्या को देखिए, इसके पीछे लगे हुए शून्य गिनते जाइए। न्याय में विलंब के पीछे बहुत से कारण हैं जिनका समाधान किया जाना बेहद आवश्यक है। जनता की जो त्रासदी है, उस संतरास को देखते हुए ये आवश्यक हो जाता है। तो अगर इन दिक्कतों की बात की जाए कि क्यों ये मामले लटकते हैं, तो इसमें पहला बिंदु आता है जजों की कमी। भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर केवल 20 जज हैं। ये संख्या वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। मान लीजिए आप चीन की बात करते हैं तो चीन में 10 लाख की जनसंख्या पर 300 जज हैं। अमेरिका में ये संख्या प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 150 जजों की बैठती है। भारत आज दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ऐसे में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर केवल 20 जज की संख्या बहुत कम है। दूसरी बात, सबसे बड़ा कारण देश में बढ़ते मामलों की संख्या है। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ी है, औद्योगिकरण और शहरीकरण के चलते छोटे छोटे झगड़ों, विवादों और मुकदमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। लंबी न्यायिक प्रणाली, कानूनी जटिलता और अन्य अलग अलग कारणों के चलते न्याय की प्रक्रिया देश में बेहद धीमी है, और दूसरी तरफ मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण वो है कि अदालतों के पास संसाधनों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट के योजना और शोध विभाग द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार केवल जजों की नहीं बल्कि देश में पर्याप्त कचहरियों की,
सहायक कर्मचारियों की और अन्य आधारभूत सुविधाओं की भी काफ़ी कमी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जिला अदालतों में 5,000 से ज़्यादा जज, 75,000 से अधिक सहायक कर्मियों के पद ये खाली पड़े हुए हैं, यानी ज़रूरत है, पद चिन्हित हैं मगर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जो न्यायिक प्रक्रिया को धीमा करता है। इसके अतिरिक्त वकीलों और अन्य कानूनी पेशेवरों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। न्याय में होने वाली देरी और लंबित मामलों से निपटने के उपाय किए जाने बेहद आवश्यक हैं। सबसे पहले जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करना, रिक्तियों को समय पर भरना, ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ न्यायिक बजट को बढ़ाना भी ज़रूरी है। इस बजट को बढ़ाकर अदालतों में बुनियादी ढांचे और तकनीक में भी निवेश किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये इसलिए ताकि योग्य और कुशल अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों की जो आपूर्ति है, जितना न्याय की मांग है उसके सामने उसकी आपूर्ति पूरा करने के लिए, उसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, मध्यस्थता और सुलह जैसे वैकल्पिक जो साधन हैं, जो रास्ते हैं, जो कोर्ट कचहरी जो अंतिम उपाय है उससे पहले की जो सीढ़ियां हैं, उन सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को भी बढ़ावा देना, ये न्याय तंत्र के अलावा सामाजिक तंत्र की भी एक आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने से न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होगा और लोगों को लंबे समय तक न्यायालयों के फैसलों को लेकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चौथी और एक अन्य महत्वपूर्ण बात, न्यायालयों में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। ई कोर्ट और ई फाइलिंग जैसी पहल न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय कई बार इस संबंध में बार बार चेता चुका है, टिप्पणी कर चुका है। निचली अदालतों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बड़ी अदालतों में कोर्ट रूम की रिकॉर्डिंग और लाइव प्रोसेसिंग जो होती है, जो हम देखते हैं चीज़ों की, वो भी इस दिशा में एक कदम है। न्यायिक सुधार एक बार की बात नहीं है, ये सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें सभी हितधारकों की, न्यायपालिका की, कानूनी व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज की भागीदारी, वो भी आवश्यक है। और सबकी एक चेतना का निर्माण होना, जागृति होना कि हाँ ये सुधार आवश्यक हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। सकारात्मक प्रयासों से न्याय प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है और न्याय प्रक्रिया को और अधिक कुशल व जवाबदेह बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही न्याय की चौखट पर एड़ियां रगड़ने का जो संतरास समाज झेल रहा है वो कष्ट कम होगा। न्याय प्रक्रिया ज़्यादा संवेदनशील भी होगी, गतिवान भी होगी। बढ़ते भारत को तेज न्याय तंत्र की आवश्यकता है। जल्दी ही मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ पांचजन्य के मंच पर।